हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल कुकिंग विद पिंकी में आप सबका स्वागत है। आज की हमारी एक स्पेशल रेसिपी है जिसे आप ब्रेकफास्ट, लंच या डिनर किसी में भी खा सकते हैं। इसे बनाना बहुत ही आसान है। तो आज हम बनाने वाले हैं चीज़ मेयोनीज ढोकला। तो चलिए हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इसे बनाने में हमें क्या क्या इन्ग्रीडियंट्स चाहिए। ढोकला बनाने के लिए हमने यहाँ पर ये इडली का बैटर लिया है। इडली का बैटर बनाने के लिए 3 कप चावल और 1 कप उड़द के मोगर को भिगोकर हमने ये बैटर बनाया है। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो मैंने अपने पहले वीडियो में इसकी रेसिपी शेयर की है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। अभी हम इस बैटर में 1 चम्मच नमक मिला देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे हम थोड़ा सा अलग बाउल में ले लेंगे। ये हाफ़ बैटर हमने अलग बाउल में ले लिया है। अभी हम इसमें 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हल्दी को हमने एकदम अच्छे से मिक्स कर लिया है। हमने यहाँ पर पहले से इडली का ओवन गरम रखा है। इस प्लेट को हमने थोड़ा सा घी लगाकर थोड़ा सा चिकना कर लिया है। अभी ये बैटर हम इसमें डाल देंगे। 1/4 प्लेट जितना बैटर ही हम इसमें अभी डालेंगे। अभी हम इस पे ढक्कन लगा देंगे और लगभग 3 से 4 मिनट के लिए स्टीम करेंगे। 3 से 4 मिनट हो गए, अभी हम ढक्कन हटा देंगे। ये देखिए हमारा ढोकला थोड़ा स्टीम हो गया है। अभी हम इसके ऊपर 2 छोटे चम्मच मेयोनीज लगा देंगे। ये होममेड मेयोनीज है। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया है। मेयोनीज को हम ढोकले पर अच्छी तरह से स्प्रेड कर देंगे। मेयोनीज आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। मेयोनीज को हमने अच्छे से स्प्रेड कर दिया है। अब हम इसके ऊपर पनीर को ग्रेट करेंगे। ये होममेड पनीर है। इसकी भी रेसिपी अगर आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया है। पनीर को हम चारों तरफ अच्छे से ग्रेट कर देंगे। पनीर भी अच्छे से हमने चारों तरफ डाल दिया है। अभी हमने यहाँ पर ये चीज़ क्यूब लिया है। चीज़ को भी हम ग्रेट करके अच्छे से डाल देंगे। मैंने यहाँ पर लगभग 2 चीज़ क्यूब यूज़ किया है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा ले सकते हैं। चीज़ हमने अच्छे से ग्रेट करके डाल दिया है। अभी हम यहाँ पर स्वीट कॉर्न डालेंगे। यहाँ पर मैंने कच्चा स्वीट कॉर्न ही यूज़ किया है। आप चाहें तो बॉईल किया हुआ स्वीट कॉर्न भी यूज़ कर सकते हैं। स्वीट कॉर्न को भी हम चारों तरफ अच्छे से स्प्रेड कर देंगे। अभी हम ढक्कन लगा देंगे और 2 मिनट के लिए इसे स्टीम होने देंगे। लगभग 2 मिनट के बाद हम ढक्कन हटा देंगे। ये देखिए चीज़ और स्वीट कॉर्न एकदम अच्छे से मिक्स हो गए हैं। अभी हम इसके ऊपर फिर से बैटर डालेंगे। जो हमारा बचा हुआ बैटर है वो बैटर हम चारों तरफ अच्छे से फैला लेंगे। इसमें हमने हल्दी नहीं मिलाई है, ये बिना हल्दी का बैटर है। इसे हम चारों तरफ अच्छे से स्प्रेड कर देंगे। ये देखिए इसको हमने एकदम अच्छे से चारों तरफ से कवर कर लिया है। अभी हम इसके ऊपर थोड़ी सी रेड चिल्ली पाउडर स्प्रिंकल करेंगे और इसी के साथ हम थोड़ा सा इस पर वाइट तिल भी स्प्रिंकल करेंगे। अभी हम फिर से इसके ऊपर ढक्कन लगा देंगे और लगभग 7 मिनट के लिए इसे स्टीम होने देंगे। ढोकला हमारा स्टीम होता है तब तक हम मसाला बनाते हैं। मसाला बनाने के लिए एक बाउल में हम लेंगे 1 छोटा चम्मच काला नमक, 1/2 छोटा चम्मच जीरा पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच काली मिर्च का पाउडर, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चुटकी हींग। इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ढोकला हमारा जब पूरी तरह से बन जाएगा तब हमें ऊपर से ये मसाला स्प्रिंकल करना है। इस मसाले से ढोकले का टेस्ट और भी अच्छा आता है। लगभग 7 मिनट हो गए, अभी हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। ये देखिए ये ढोकला हमारा एकदम अच्छे से बनकर तैयार है। अभी हम इसे 5 से 7 मिनट के लिए ठंडा होने देंगे। ढोकला हमारा ठंडा हो गया है। अभी हम इसके ऊपर 2 छोटे चम्मच जितना मूंगफली का तेल डाल देंगे। कच्चा तेल ही हमें इस पर डालना है, इससे ढोकले का टेस्ट और भी अच्छा आएगा। तेल को हम अच्छे से चारों तरफ स्प्रेड कर देंगे।
ढोकला ठंडा हो गया है, अब हम इसे स्क्वायर पीसेस में कट कर लेंगे। अभी ढोकले को हम सर्विंग प्लेट में सर्व कर लेंगे और इसके ऊपर जो हमने मसाला बनाया था वो मसाला थोड़ा सा स्प्रिंकल कर देंगे। थोड़ा सा हम इसके ऊपर चीज़ ग्रेट करके डालेंगे। गर्मा गर्म ढोकला तैयार है। ये देखिए ये कितना चीज़ी और कितना सॉफ्ट बना है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। बेल आइकन दबाने से आपको मेरी हर न्यू आने वाली रेसिपी का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो हम फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।